Mais avant tout, va bouger la tête. हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं क्रिकेट सुपर टीम के चैनल पर। मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, आईपीएल 2020 को लेकर बीसीसीआई कन्फर्म कर चुका है कि 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक आईपीएल 2020 यूएई में खेला जाना है। आईपीएल टॉक्स में हम लोग आईपीएल रिलेटेड फैक्ट्स, आईपीएल रिलेटेड हिस्ट्री बात करने जा रहे हैं। पता हो, मैंने देखा हूँ यूट्यूब पे बहुत बहुत चैनल वाले बस गलत गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और अपना व्यू लेते हैं, बट मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं रियल फैक्ट्स देने वाला हूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को भी हमेशा की तरह लास्ट तक देखना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार विजिट करें। और बहुत सारे वीडियो हैं इस पे, जैसे कि आईपीएल न्यूज़ से रिलेटेड वीडियो हैं, क्रिकेट हाईलाइट के वीडियो हैं, वो सब देखें और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्पल कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करता है, उसे मिलता है पर्पल कैप। पर्पल कैप पूरे सीजन के लिए मिलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आईपीएल के पहले एडिशन से जानते हैं कौन कौन आईपीएल के प्लेयरों ने ये कैप जीत चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आईपीएल 2008 से स्टार्ट करते हैं। 2008 के पर्पल कैप के विनर हैं सोहेल तनवीर, जो पाकिस्तानी के फास्ट बॉलर रह चुके हैं और टीम राजस्थान रॉयल से खेले थे। उन्होंने 11 मैच खेला था और 22 विकेट लिया था और राजस्थान को पहला बार चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, चलिए सीजन दूसरे 2009 का आईपीएल साउथ अफ्रीका में हुआ था और डेकन चार्जर ने उस आईपीएल को जीता था। तो पर्पल कैप पे हद जमाया था आरपी सिंह ने, जो डेकन चार्जर के प्लेयर थे। उन्होंने 16 मैच में 23 विकेट लिया था और डेकन चार्जर को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं थर्ड सीजन मीन्स 2010 में प्रज्ञान ओझा ने जीता था पर्पल कैप। वो भी डेकन चार्जर के गेंदबाज थे। उन्होंने 16 मैच में 21 विकेट लिया था और अपने टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चौथे सीजन के बारे में जान लेते हैं। चौथे सीजन 2011 में लतीश मलिंगा ने पर्पल कैप जीता था और वो मुंबई इंडियंस के साथ खेलते हैं और उन्होंने 16 मैच में 28 विकेट लिया था और अपने टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। अनफॉर्चुनेटली वो चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल हार गए थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पांचवा सीजन के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब 2012 के बारे में। 2012 में मॉर्नी मॉर्टल ने पर्पल कैप जीता था, जो दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ खेलते थे। दिल्ली कैपिटल का पहले नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था। उन्होंने 16 मैच में 25 विकेट लिया था। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जान लेते हैं छठा सीजन मीन्स 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स के ड्वेन ब्रावो ने पर्पल कैप जीता था। उन्होंने 18 मैच में 32 विकेट हासिल किया था।
तो चलिए दोस्तों, अगला सीजन जो आईपीएल 2014 जो यूएई में खेला गया था, उसमें भी चेन्नई सुपर किंग के मोहित शर्मा ने पर्पल कैप जीता था। उन्होंने 16 मैच में 23 विकेट हासिल किया था। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सीजन 8वां 2015। तीसरा लगातार बार चेन्नई सुपर किंग के पास ये पर्पल कैप आई। जो लाने वाले प्लेयर थे ड्रेन ब्रावो। ड्रेन ब्रावो तो ये दूसरा खिताब था पर्पल कैप से। उन्होंने पहले भी जीता था 2013 में, फिर 15 में भी जीता। 15 में उन्होंने सीएसके के लिए 17 मैच खेला और 26 विकेट हासिल किया था। तो चलिए दोस्तों, अगला सीजन जान लेते हैं, सीजन 9वां 2016। 2016 में भुवनेश्वर कुमार ने पर्पल कैप जीता था। जो सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी हैं, उन्होंने 17 मैच में 23 विकेट तो चलिए लिया दोस्तों, था। हम लोग जान लेते हैं सीजन 10वां, सीजन 10वां 2017। 2017 में भी भुवनेश्वर कुमार ने ही पर्पल कैप जीता था। वो सनराइजर हैदराबाद के ही खिलाड़ी थे उस समय भी। उन्होंने 14 मैच में 26 विकेट हासिल किया था और अपना दूसरा पर्पल कैप खिताब हासिल भी किया था। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं सीजन 11 के बारे में। सीजन 11 मीन्स 2018। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर एंड्रू टाई ने किंग्स इलेवन पंजाब के साथ खेलते हुए पर्पल कैप जीता था। उन्होंने 14 मैच में 24 विकेट हासिल किया था और पर्पल कैप अपने पास रखा था। तो चलिए दोस्तों, सीजन 12वां मीन्स 2019। 2019 में फिर से चेन्नई सुपर किंग के स्पिनर इमरान ताहिर ने पर्पल कैप पर कब्जा जमाया था। इमरान ताहिर ने 17 मैच खेला और 26 विकेट हासिल किया और ये इस तरह चौथी बार पर्पल कैप चेन्नई सुपर किंग टीम के पास आया। तो दोस्तों, सीजन 13वां और ईयर 2020। आप सबके लिए क्वेश्चन मार्क। कमेंट में बताइए कौन सा प्लेयर है जो इस साल का पर्पल कैप हासिल करेगा और अपने टीम को फायदा करेगा उसको चैम्पियन बनाने में। कमेंट में बताइए हमको। और चैनल पे नए हैं तो चैनल में विजिट कीजिए, चैनल को देखिए। और बहुत सारे वीडियो हैं वो सब को देखिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक तो जरूर बनती है दोस्त। थैंक यू एंड लव यू ऑल।